आज जो पार्टी 2014 से जो भाजपा वाले सत्ता में है, अगर आप इनका 9 साल का इतिहास उठा के देखेंगे तो लगातार नफरत फैल रही है, लगातार लोगों के अंदर में हेट फैल रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ, तीज त्योहारों में लगातार लोग एक दूसरे के घर जाते थे, आप लगातार देखते हैं कि एक दूसरे के बीच में नफरत फैल रही है। तो ये तो पूरा साफ रिकॉर्ड ही दिखा रहा है, क्योंकि इनका एजेंडा तो कुछ और था। आप कह के तो आए कि हम 15 लाख आपके अकाउंट में देंगे, नौकरियां देंगे, 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरियां देंगे, स्किल इंडिया की बात कर रहे थे, महंगाई कम करने की बात कर रहे थे। गैस सिलेंडर इनको उस वक्त 350 का सस्ता महंगा लग रहा था, और किया क्या? तो ये तो साफ दिख रहा है कि आज जिस तरह जितनी स्वतंत्र एजेंसीज हैं, हमारे स्तंभ हैं, आज सबको आपने मूक दर्शक बना दिया है, आप उनको तोता बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जिस तरह ईडी का, सीबीआई का, आईटी का इस्तेमाल हो रहा है, हम क्या बोल रहे हैं? रिकॉर्ड बता रहा है कि 95% जो केसेस है वो विपक्ष के ऊपर है। जो विपक्ष का व्यक्ति बीजेपी में चला जाता है उसके केसेस बंद हो जाते हैं। आज वही कारण से आज पानी सर से ऊपर गया। आज आपने एक सांसद का सवाल सिर्फ राहुल जी का नहीं है, आपने एक एमपी की आवाज़ बंद की है, आज विपक्ष की आवाज़ बंद की है। लोकतंत्र का मंदिर पक्ष और विपक्ष को सम्मान देता है, यही हमारे लोकतंत्र की पहचान है। आज उनका निष्कासन करना सदन से, तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है?